इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिस और सब बेसिस क्या होते हैं. सो ये हमारी टोपोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है. सो लेट्स स्टार्ट विद लेट एक्स टॉक बी अ टोपोलॉजी स्पेस अ कलेक्शन बीटा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेट टू फॉर्म अ बेस फॉर टॉर्क इफ बीटा बिलोंग्स टू टॉर्क. सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ बेसिस कैसे बनेगी, जैसे इफ़ हमारे पास हम ये ले लेते हैं हमारा टॉपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, ये हो गया एक्स एंड टॉर्क. तो हम बोल रहे हैं कि बीटा जो है वो बेस कब बनेगा, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ अगर उसको बेस बनना है तो उसको इस स्पेस में लाई करना पड़ेगा. हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारा वो बीटा कलेक्शन है जो कि बेस है किसका, एक्स और टॉर्क का. तो बीटा कहाँ लाई करना चाहिए, इस टॉपोलॉजिकल स्पेस में लाई करना चाहिए. तो अगर बीटा हमारा बेस कब होगा, सबसे पहली चीज़ ये बीटा इस टॉर्क में, इस स्पेस में लाई करना चाहिए. दूसरी चीज़ जो दूसरी कंडीशन हमारे पास है, एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे जो ये बी है वो बीटा से बिलोंग करेगा और ये बी पूरा एन में बिलोंग करेगा, एन एक नेबरहुड है. इस तरीके से हम बीटा में से पहले कोई एक बी लेंगे. सपोज़ करते हैं कि ये जो कलेक्शन हमने ली वो हमारी बी हो गई. अब ये जो बी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बीटा से बिलोंग कर रहा है, ठीक है. तो हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है, फॉर ईच पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हमें एक बी से ऐसा पॉइंट लेना है. हमने करा क्या, करा ये एक पॉइंट ले दिया, ठीक है. अब हम हर एक पॉइंट पे एक नेबर, उसकी नेबरहुड भी होगी. तो हमने सपोज़ करो ये इसकी नेबरहुड मान ली, दिस इज़ एन. तो जो सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है कि एक्स हमारा बिलोंग करना चाहिए बी से और ये जो बी है वो पूरा किस में बिलोंग करना चाहिए, एन में. और एन हमारे पास क्या है, नेबरहुड है. ये बी हमारा किस में से होगा, बीटा में से होगा. अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो भी उस केस में हम बीटा को बेस कह सकते हैं. एक और तरीका है सेकंड पॉइंट को डिफाइन करने का, कि अगर हम कोई एक एलिमेंट एक्स, स्मॉल एक्स, टॉपोलॉजिकल स्पेस में से लेते हैं तो हर एक एलिमेंट का हमारे पास, हर एक एलिमेंट का हम एक नेबरहुड तो होता होगा ही, नेबरहुड तो होना कंपलसरी है हर एक पॉइंट का. तो नेबरहुड जो होगा तो उसमें एक ऐसा बी लाई करेगा जो कि हमारा बीटा से लिया गया होगा. तो उस केस में जो ये हमारा बीटा से होगा, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, बीटा क्या है, बेस है, ठीक है. मतलब उस पॉइंट और उस नेबरहुड के बीच में एक ऐसा स्फीयर और ड्रो होगा जो हमने बीटा से लिया होगा. नेक्स्ट इज क्लियरली इफ बीटा इज़ अ बेस फॉर टॉर्क देन एनी सबस्पेस सुपर क्लास बीटा स्टार ऑफ बीटा कंसिस्टिंग द मेंबर ऑफ टॉर्क इज ऑल्सो अ बेस ऑफ टॉर्क. अब जैसे कि हमने एक बीटा ले लिया, अगर हम इसकी कोई सुपर क्लास बनाते हैं जो कि इस सुपर क्लास मतलब इससे बड़ा होना चाहिए. सपोज करो हमने इससे थोड़ा बड़ा बना लिया और ये है हमारा बीटा स्टार. तो क्या कह रहा है कि बीटा स्टार भी क्या होगा, बेस. हम उसको एज अ बेस, उसको भी एज अ बेस कंसिडर कर सकते हैं. क्लियरली इफ बीटा इज़ अ बेस फॉर टॉर्क दैन एनी सुपर क्लास बीटा स्टार ऑफ बीटा, उस जो भी हमने बेस माना है, अगर हम कोई भी उसकी सुपर क्लास लेते हैं कंसिस्टिंग द मेंबर ऑफ टॉर्क इज़ ऑल्सो अ बेस ऑफ अ टॉर्क. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. हमने एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स मतलब जो हमारा टॉपोलॉजिकल, ये पूरा टॉपोलॉजिकल जो हमारा स्पेस है, तो उसमें हमने मेंबर्स मान लिए ए, बी, सी और डी, ठीक है. अब हमने जो हमारा टॉर्क है उसमें हमने कैसे एलिमेंट ले लिए, उसमें हमेशा सबसे पहले तो देखो हमारा फाई आता ही है और हमारा एम्प्टी सेट और हमारा फुल सेट, ये दोनों ही आते हैं, ये तो कंपल्सरी है. अब नेक्स्ट हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सपोज करो हमने सिंगलटन ए ले लिया, सिंगलटन बी ले लिया, ए बी सी
डी ए सी डी और एक लास्ट हमने ले लिया बी सी डी, ठीक है। ये जो है टोपोलॉजी है हमारी किस पे, एक्स पे, ठीक है। दिस इज़ आर टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब हम एक बीटा मान लेते हैं और उस पे बीटा में हमने एलिमेंट मान लिए, एक हमारे पास सिंगलटन ए, सिंगलटन बी एंड सी एंड डी, ये हमने बीटा मान लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि बीटा जो है बेस है इस टॉपोलॉजिकल स्पेस का, एक्स टॉर का, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास थी कि जो बीटा है वो कंटेन करना चाहिए, ठीक है। यही हमने सबसे पहली कंडीशन मानी थी। तो अब हम देख लेते हैं कि ये इसमें कंटेन करता है कि नहीं। तो हमारे पास ए है, बी भी कंटेन कर रहा है और सी और डी भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है हमारी, नेक्स्ट जो बीटा है हमारा कंटेन है टॉ में। नेक्स्ट जो हमें सेकंड पॉइंट करना था, प्रूफ करना था कि हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट लेना है, ठीक है, और वो किस में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा जो कि बीटा से है और वो होल कंटेंट होगा एन में। तो मतलब हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया, सपोज करो हमने सिंगलटन ए ले लिया। हाँ, ये चीज़ देखो, जो ये जो पॉइंट होगा दिस, फिर हमारे पास है बिलोंग्स टू का साइन, फिर दिस एंड दिस इज होल कंटेंट इन, होल कंटेंट इन दिस। ये जो एलिमेंट होगा वो हमारा एक्स से लिया जाएगा, फ्रॉम एक्स। ये जो एलिमेंट होगा वो हमारा बीटा से लिया जाएगा, फ्रॉम बीटा। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या बोला था, बीटा बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू बीटा, ये वाला एलिमेंट हमारा बीटा का होगा। और हमने एक्स के लिए क्या बोला था कि एक्स शुड बी बिलोंग्स टू एक्स। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट होगा वो फ्रॉम एक्स होगा, कंटेन्ड इन एन। ये हमारा कहाँ से होगा, टॉर्क से, मतलब जो नेबरहुड है उसकी, ठीक है। सबसे पहले हम उसका एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, सिंगलटन ए। तो हमने बीटा का एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो हमने यहाँ उसको ले लिया सिंगलटन ए। तो एक्स में से हम चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सिंगलटन ए में बिलोंग कर रहा है। तो ए ही एक ऐसा एलिमेंट है, तो ए हमने ले लिया दैट बिलोंग्स फ्रॉम एक्स, ठीक है। और वो किससे बिलोंग कर रहा है, सिंगलटन ए में। अब हम टॉर्क में जो उसकी नेबरहुड उसमें देखेंगे कि पूरा किस में कंटेन हो रहा है। तो देखो हमारे पास सिंगलटन ए में भी कंटेन हो जाएगा, ए बी में भी कंटेन हो जाएगा, ए सी डी में भी कंटेन हो जाएगा। बट हमें इसमें सी और डी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसमें बी भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट हमने ले लिया। अगर सिंगलटन ए नहीं होता तो हम इनमें से भी कोई एलिमेंट ले सकते थे, हम एक सेट ले सकते थे। बट अगर हमारे पास सिंगलटन ए है तो हम यहाँ पे सिंगलटन ए ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो ये प्रूव कर रही है कि ये बेस हो सकता है। अब हमने ए के लिए चेक कर दिया। सिमिलरली अगर हम बी के लिए चेक करेंगे, जो कि हमने सिंगलटन बी हमने बीटा में से लिया है, तो हम एक्स का एक एलिमेंट ऐसा देखेंगे जो इसमें कंटेंड हो। तो हमने ले लिया बी, क्योंकि बी जो है इसमें बिलोंग कर सकता है। कंटेंट की बात करेंगे तो हम टॉर्क में देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जो इस सिंगलटन बी को कंटेन कर सके। तो बी भी है हमारे पास, ए बी भी है और ये वाला भी है। तो हमने अच्छा हो तो ये बी ले लो, बीटा ले लो, सॉरी बी ले लो, ए बी भी ले सकते हैं और बी सी डी, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं टॉर्क में से। सेम फॉर हियर, सेम यहाँ पर भी आप ए बी ले सकते हो, और क्या क्या है यहाँ पर, ए बी भी ले सकते हैं और ए सी डी भी ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए हो गया। अब हम इसके लिए और चेक कर लेते हैं कि हमारा सिंगलटन सी और डी, ठीक है। अब बीटा से हमने ले लिया है, अब हम एक्स में देखते हैं कि सी और डी, सी और डी में क्या कंटेन हो सकता है। तो हमने सी पॉइंट ले लिया जो कि इसमें कंटेन, सी पॉइंट ले लिया जिसमें कंटेन कर रहा है और ये होल कंटेंड है। अब इसके लिए आप यहाँ पे सी डी भी ले सकते हो, हम ए सी डी भी ले सकते हैं क्योंकि ए भी है उसके अंदर, सी भी है उसके अंदर और डी भी है, ठीक है। और ये भी ले सकते हैं बी सी डी भी, ठीक है। तो हमारे ये तीनों एलिमेंट्स हमने ऐसे शो कर दिए कि उससे एक्स से हम कोई एलिमेंट लेंगे तो वो इसमें कंटेंट होगा और वो होल कंटेंट होगा उसके नेबरहुड में, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल था। और इस तरीके से ही हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी सेट जो है वो उसका बेस कैसे बनेगा। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है,
पूरा कंटेन होना चाहिए। और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको एग्जांपल के साथ शो करी कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आप बीटा में से कोई बी लोगे और उसमें एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जो कि होल कंटेंड हो फिर एन में। तो ये तरीका था बेस चेक करने का।